हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गुड मॉर्निंग, अभी हो गई सुबह। देखो मेरी सुबह की शुरुआत हो रही है बारिश की वजह से। इतनी ज़्यादा रात में बारिश हुई है कि पूरा पानी इधर से आ गया है सीढ़ी से, मतलब ये देखो यहाँ ऊपर से पानी आया और ये अंदर भी आ गया है। तो ये सब भी अभी मॉर्निंग में मुझे साफ़ करना पड़ेगा। और अभी करीबन 9 बज रहे हैं और हस्बैंड यहाँ पे आम का जो पेड़ था वो छोटे गमले में था, तो उसे ट्रांसफ़र करके उन्होंने बड़े गमले में कर दिया है, क्योंकि अभी बारिश की टाइम है। तो अभी कोई भी पौधा लगाने से वो अच्छे से हो जाता है। और यहाँ और एक पौधा लगाया जा रहा है। तो करीबन बज रहे 12 एक बज रहे हैं और ये है आंवले का पौधा। तो मम्मी ने इसे ख़रीद के मंगा लिया था लगाने के लिए, क्योंकि उनका बहुत मन था लगाने का। और बच्चे लोग कनक देखो यहाँ पे कितनी एक्साइटमेंट है, और बच्चे लोग को तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पार्टी चल रही है, बहुत ज़्यादा खुश है। और यहाँ पे देख रहे हो आप लोग आगे पीछे कर रहे हैं, इन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे इस पेड़ को भी लगाया जा रहा है, क्योंकि बारिश की मौसम में मतलब कोई भी पेड़ लगाने से 90% गारंटी रहती है कि वो पेड़ आपका मतलब हो ही जाएगा। सो यहाँ पे पेड़ अच्छे से मतलब लग गई है और यहाँ हस्बैंड ने अच्छे से पेड़ को लगा दिया है, अभी अच्छे से लग जाएगा। और अभी हम लोग नीचे आ गए, खाना बना हम लोगों ने खा लिया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा चेहरे पे अपने फेस पैक अप्लाई कर लिया था और लाइट भी नहीं है तो मैं यहाँ टहल रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बारिश के बाद जो धूप होती है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बहुत ज़्यादा, ये देखो एक पिंपल भी निकल आया है मुझे, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए मैंने इसे अप्लाई कर लिया था। और यहाँ पे आप लोग देखो, ये देखो नन्हे मेहमान नए नए आ गए हैं अभी, ये देखो एक उधर भी, ये तीन तीन आया है। और रात के करीबन 7:30-8 हो रहे हैं। ये देखो नया आया है, इसलिए ये पेट डर रहा है क्योंकि ये हम लोग को पहचान नहीं रहा है, जिस वजह से देखो वो कैसे चेहरा छुपा के अंदर मतलब झोली में जैसे आया है वैसे ही वो बैठा हुआ है, बाहर निकल नहीं रहा था। तो यहाँ मैंने इन सबको बाहर निकाल दिया था। और ये है मेरा हनी, तो ये काफ़ी पहले ही से मेरे पास है, तो आप लोगों ने पहले ब्लॉग में देखा होगा। तो अब ये सब साथ रहने वाले हैं। और ये देखो ये एक दूसरे को यहाँ पे हनी जो है वो टच कर रहा था। और अभी हो गई है रात, तो पेट वगैरह जो थे उन लोगों को हम लोग ऊपर उसके घर में रख के आ गए हैं। और इतनी ज़्यादा मारा मारी कर रहे थे वो लोग कि मत पूछो। तो कभी मैं उन लोगों की वीडियो शूट करके दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ, जैसे इंसान लड़ने लगते हैं वैसे ही लड़ रहे थे वो लोग भी। और अभी आज मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि पेट आए हैं और उसे हम लोग ऊपर रखने गए, थोड़ी देर उन लोग नीचे थे, उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया था। तो करीबन 9 बज गए हैं और इतनी रात को मैं अब रोटियां बना रही हूँ। वैसे भी मैं रात को ही बनाती हूँ, करीबन 8 बजे के बाद ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ अच्छे से पहले से एक ले रही हूँ। और मेरी रोटियां बनके तो तैयार हो गई है। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे पकौड़ी या भजिया, जो भी आप कह सकते हो। तो उसके लिए प्याज, हल्दी, नमक, मिर्ची और जवाइन मंगरेला जो होती है, सबको मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है।
और अब मैं थोड़ी सी भजिया भी तल लूँगी रात को। वैसे मेरा दोपहर का सब्जी बची हुई थी, तो मैंने सोचा सब्जी बची हुई है तो चलो थोड़ा सा और ये भजिया बना लेती हूँ तो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे मिक्स कर ले रही हूँ अच्छे से, और मिक्स करने के बाद इसे हम लोग तल लेंगे। तो बहुत से लोग इसे अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने इसे फ्राई करने के लिए, यहाँ पे तेल गरम हो गया था तो इसमें डाल दिया है, और अब इसे अच्छे से हम लोग तल के निकाल लेंगे, पूरे अच्छे से डीप ब्राउन करके निकाल लेंगे। तो इसके बाद मेरा खाना यहाँ पे तैयारी हो जाने वाला है। ये देखो अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है, बस दो बार का ही है तो मैं दो बार तलूँगी तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। और खाना मेरा फाइनली तैयार ही हो चुका है, बस इसे फ्राई करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि सच में आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तो ये देखो यहाँ पे फ्राई हो चुका है, काफ़ी बढ़िया कलर आ गया है, देख रहे हो आप लोग। ये देखो तो रात का खाना भी हमारा हो ही चुका है, मतलब बन चुका है। तो अब हम लोग खाने के लिए जाएंगे, क्योंकि पूरा दिन भागा दौड़ी कर करके एकदम थक जाते हैं। कब सुबह होती है शाम होती है सच में बिल्कुल पता नहीं चलता है, क्योंकि मुझे अकेले ही सारे काम करने पड़ते हैं, मेरे घर में और कोई नहीं है काम करने वाला। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी भजिया है मैंने उसे तल लिया है, और अब चलते हैं खाने की ओर। तो ये देखो आज प्लेट मैं अपना सर्व कर रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ रोटियाँ है, सब्जी है आलू परवल की, और भजिया है, और चटनी है। तो यही आज का मेरा खाना है, और चलो इस वीडियो को यही एंड करती हूँ। मैं जा रही हूँ खाने, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।